अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे है सेहत तबीयत फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मेरा रब वारिस के एपिसोड नंबर 9 के बारे में, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा और इस ड्रामे का एंड क्या होगा। जैसा कि अब तक आपने देखा कि हारिस और आयशा की शादी की तैयारियाँ चल रही होती हैं, और आयशा से शादी होने पर हारिस बहुत ज़्यादा खुश है, जबकि दूसरी तरफ आयला जो कि हारिस से मोहब्बत करती है, वो हारिस को कॉल करके रोते हुए कहती है, हारिस प्लीज़ मुझे अपना लो, अगर तुमने मुझे ना अपनाया तो मैं अपनी जान ले लूँगी। जिस पर हारिस उसे कहता है, तो ले लो अपनी जान, लेकिन बार बार फ़ोन करके मुझे तंग ना करो। जिसके बाद आप देखेंगे कि आयला खुदकुशी करने का इरादा करती है, लेकिन फिर बाद में वो ये अहद करती है कि वो हारिस को आयशा के साथ नहीं रहने देगी। ये तो थी अब तक की कहानी। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि फैजी आयशा की शादी की खबर सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी है, और वह रोते हुए अल्लाह से दुआ करता है कि या अल्लाह, अगर वो हारिस की मोहब्बत से वाकिफ़ थी तो मेरी मोहब्बत से वाकिफ़ क्यों नहीं थी वो? मैंने तो उसे सच्चे दिल से चाहा है, तू जानता है, तू गवाह है इस बात का। मैंने तो हमेशा मोहब्बत में एहतराम रखा, और उसी एहतराम की वजह से आज वो मुझसे दूर जा रही है या अल्लाह। हारिस बहुत ज़्यादा रोता है और अल्लाह से फरियाद करता है। अपने बेटे को इस हालत में देखकर हारिस के वालदा की भी आंखें भर आती हैं, और वो भी दुखी हो जाती हैं। जिसके बाद आप देखेंगे कि फैजी की वालदा फैजी का हाथ अपने सर पर रख कर कहती है, खाओ मेरे सर की कसम, तुम आयशा के बारे में नहीं सोचोगे और उसे भूलने की कोशिश करोगे। जिस पर फैजी जज्बाती होकर जवाब देता है कि अम्मी आपके सर की कसम, जब ज़िंदगी की डोर टूट जाएगी तब नहीं सोचूंगा उसके बारे में। फैजी की वालदा बहुत ज़्यादा बेबस है, क्योंकि वो अपने बेटे को दुखी देखकर उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। वो अपने बेटे को गले लगाकर बहुत ज़्यादा रोती हैं, जबकि दूसरी तरफ फैजी बिखर कर रह गया है, उसका दिल अब टूट चुका है। वो इतना बेबस है कि वो आयशा को बता भी नहीं सकता कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जबकि दूसरी तरफ हारिस की बहनें आयशा का खूब मजाक उड़ा रही हैं, वो हारिस के सामने तंज करते हुए कहती हैं, वैसे हारिस तुम्हारी तो खूब बचत होगी, क्योंकि जिस लड़की को सोसाइटी की तरफ मुंह ही नहीं करना, उसे तुम जो भी ला के दे दोगे वो पहन लेगी। निमरा मजीद तंज के तीर बरसाते हुए कहती हैं, ऐसी लड़कियों को वो क्या कहते हैं नेक, तो किंजा कहका लगा कर कहती है, नेक परवीन। हारिस को अपनी बहन की ये बातें बहुत बुरी लगती हैं, और हारिस के वालदा को भी इस बात का पता चल जाता है कि हारिस को ये बातें बुरी लग रही हैं, इसीलिए वो अपनी बेटियों की तरफ गुस्से से देखती हैं। जबकि इसके बाद आखिरकार आप देखेंगे कि वो लम्हा आ ही जाता है जिसका सबको इंतज़ार होता है। आयशा की रस्म महीना शुरू हो जाती है, तभी मेहमान वहाँ पर मौजूद होते हैं, जबकि किंजा आयशा का मुंह मीठा करवाती है। सामने खड़ी निमरा आयशा की वीडियो भी बनाती है, लेकिन प्रोमो देखकर ऐसा लगता है कि ये वीडियो बनाने के पीछे भी निमरा की ज़रूर कोई साजिश होगी। फ्रेंड्स, ये तो थी अगले एपिसोड की कहानी। इसके बाद आप देखेंगे कि आयशा की रस्महीना चल रही होती है, और अचानक दुर्दाना बेगम को किसी बात पर गुस्सा आ जाता है, और वो रस्महीना का थाल फेंक कर वहाँ से चली जाती है। आयशा और आयशा के वालदैन समेत तकरीब में मौजूद तमाम मेहमान दुर्दाना बेगम का ये रवैया देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हारिस को भी किसी बात पर गुस्सा आता है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि ये निमरा की कोई साजिश है या फिर कोई और गलत फहमी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। जबकि आखिरकार आप देखेंगे कि आयशा और हारिस की शादी तो हो ही जाएगी। लेकिन अगर आप इस ड्रामे की मुकम्मल कहानी जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा और आयशा को शादी के बाद कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, तो आपको इस ड्रामे की मुकम्मल कहानी वाली वीडियो देखना होगी, जो कि मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें, ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।